ट्रस्टी सदस्यों, धीरज सर, आस्था मैडम, विनायक श्री, शिक्षकगण, अभिभावक और मेरे सहपाठी मित्रों, नमस्कार। मैं खुशी पटेल श्रीमती आर एस कालरिया प्राथमिक विद्यालय की सातवीं कक्षा के वल्लभी वर्ग में अभ्यास करती हूँ। आज की युक्ति वक्तृत्व प्रतियोगिता में मेरा विषय है आत्मनिर्भर भारत। अगर व्यक्तिगत रूप से कहे तो आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने लिए सब कुछ उपलब्ध करना जो हमें चाहिए। अपना कर्म स्वयं करना ही आत्मनिर्भरता है। और अगर समाज और देश के स्तर पर कहे तो आत्मनिर्भरता का अर्थ है एक राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके बिना बाहरी सहायता के। भारत का इतिहास केवल राजनीतिक घटनाओं का नहीं बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक विकास की एक गहरी परंपरा का भी है। यहाँ की सभ्यता ने न केवल भारत को बल्कि समस्त विश्व को प्रभावित किया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान ये विचारधारा भारत के इतिहास में नई नहीं है। अरे इसी सिद्धांत के कारण हमारे देश ने कई सदियों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी ताकत और पहचान कायम रखे हुए हैं। हालांकि 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था। अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, प्रणाली, जनसंख्या और मांग, ये पांच स्तंभ जो इस अभियान की नींव है, जिसका उद्देश्य भारत को आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना, स्वदेशी उत्पादनों को प्रोत्साहन जैसे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना, विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाना जैसे कृषि क्षेत्र में बेहतर बुनाई तकनीक अपना कर उत्पादन बढ़ाना, किसानों को वित्तीय सहाय देना, शिक्षा क्षेत्र में युवाओं को डिजिटल साक्षरता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस और नई तकनीकों में प्रशिक्षण देकर भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना, नई तकनीकी उन्नति करना और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करना, समाज की प्रगति के लिए महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और सबसे अहम उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देकर आयात पर निर्भरता को कम करना। आत्मनिर्भरता सिर्फ एक नारा नहीं है, यह भारत की नई इच्छा और दिशा है। एक ऐसा सपना जो हर भारतीय की मेहनत से हकीकत बनेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई है, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता के लिए MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, छोटे और मध्यम उद्योगों को संकट समय में आर्थिक सहायता के लिए PLI, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन, फार्मास्यूटिकल्स, सोलर पैनल, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, देश भर में प्रवासी मजदूरों और गरीबों को मौजूदा राशन कार्ड से राशन देने के लिए, कृषि सुधार योजना, किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए और बीमा और सब्सिडी प्रदान करने के लिए, वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया, स्वदेशी उत्पादनों का उपयोग और स्वदेश में ही उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए, डिफेंस में आत्मनिर्भरता, भारत में रक्षा उपकरणों जैसे टैंक, मिसाइल आदि के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई हुई पहल। आत्मनिर्भरता के मार्ग में कई चुनौतियां आ सकती है, जैसे वित्तीय संसाधनों की कमी, प्रौद्योगिकी की कमी, उद्योगों के लिए आवश्यक परिवहन, ऊर्जा और संचार में कमी, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, शिक्षा को महत्व, उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग, आवश्यक नियमों का पालन और समाज के हर वर्ग के लोगों के सहयोग से ऐसी कई चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के उद्देश्य को साकार करते हुए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कोवैक्सीन जैसी स्वदेशी टीकों का विकास जिससे हम कोरोना महामारी से लड़ने में सक्षम हुए, चंद्रयान और आदित्य L1 जैसे अंतरिक्ष मिशनों के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता हासिल की, BSNL के 4G और 5G नेटवर्क का विस्तार, इसके अलावा तेजस लड़ाकू विमान, INS विक्रांत, स्मार्टफोन, स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी और चार्जिंग स्टेशन आदि कई चीजों का उत्पादन किया गया है।
आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता देशवासियों के संकल्प और सामूहिक प्रयास पर निर्भर करती है, जिससे भारत एक मजबूत और स्थिर राष्ट्र के रूप में दुनिया के मानचित्र पर उभर सके। आत्मनिर्भर भारत अभियान सिर्फ एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र का भविष्य है, वैश्विक नेतृत्व हासिल करने की कुंजी है, भारत की ताकत और भारत का गौरव है। धन्यवाद।